हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता तुम सारे बहुत वधिया हो गए और बहुत ही वधिया ढंग अपनी जी पढ़ाई आ कर रहे हो। हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता तुम सारे बहुत वधिया हो गए और बहुत ही वधिया ढंग अपनी जी पढ़ाई आ कर रहे होवोगे। सो असी कर रहे हैं क्लास टेंथ। हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता कि तुम सारे बहुत वधिया होवोगे और बहुत ही वधिया ढंग अपनी जी पढ़ाई आ कर रहे होवोगे। सो असी कर रहे हैं क्लास टेंथ चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.3 असी शुरू करन जा रहे हैं। सो जिहदा फस्ट क्वेश्चन है साढ़े को, दसो किहड़े जुड़े समरूप हैं। सो विच आर द फॉलोइंग पेयर्स आर सिमिलर एंड राइट देयर क्राइटेरिया। एंड क्राइटेरिया भी असी नाल लिख के चलना है कि कारण जिहड़ियां कि साढ़े को जो त्रैपुज होणगियां वो आपस में एक दूजे समरूप होणगियां। सो क्राइटेरिया की गल करिए तो साढ़े को इन्हां दी कसौटियां जिहड़ियां हुंदियां हन समरूपता दियां साढ़े को हन कसौटियां। सो क्राइटेरिया साढ़े को होगा SSS SAS। सो AA और जिसनों असी AAAA भी लिखते हैं। सो फस्ट सैकेंड एंड थर्ड ये तीन हैं साढ़े को। सो देखते हैं अपना फस्ट क्वेश्चन। सो फस्ट क्वेश्चन देखो थोड़े को दो त्रैपुज जोड़े कि नज़र आ रहे हैं। सो जिदे को एक ट्रायंगल है ABC असी, दूसरी है साढ़े को PQR। सो साढ़े को त्रैपुज एक साइड से ABC लिखते हैं, दूसरी साइड से असी लिख लिया त्रैपुज PQR। सो इस साइड से साढ़े को एंगल हैं AB C, इस साइड से साढ़े को PQR। हुण असी देखदा कि दोवें साइड जिहड़े एंगल साढ़े को दिते गए हैं दोवें फिगर थानू दिख रहे हैं, तो ए देखो साढ़े को कितना दिता गया है = 60°। इस तरह बी जिहड़ा साढ़े को कितना दिता गया है 80°, और जिहड़ा सी है साढ़े को कितना दिता गया 40°। हुण दूसरी त्रैपुज देखो PQR, उस दे विच तुहाडे कोल पी किन्ना है 60°, क्यू किन्ना है तुहाडे कोल 80°, अते जिहड़ा तुहाडे कोल आर है किन्ना है 40°। हुण देखो दोवें त्रैपुजां दे विच तिन्ने कोण जिहड़े आपस विच की आ रहे हन संगत हो गए ना, आपस विच बराबर हो गए। सो कोरसपोंडिंग एंगल्स आर सिमिलर, इक्को जिहे हन। सो देयरफोर ट्राइंगल ABC समरूप है ट्राइंगल PQR। सो कसौटी किस तरह लिखनी है, इस तरह करली ब्रैकेट लगानी है। सो इन्हां चों कि कसौटी लगी साढ़े को AAA। सो AAA तो सो ए साढ़े को सिमिलैरिटी का साइन है जिहड़ा असी दोवें त्रैपुजां दे विच वरत के चलना है। सो फिर देखो साढ़े को इसका सैकेंड पार्ट है। सो सैकेंड पार्ट दे विच साढ़े को हुण एंगल नहीं गिवन दिते गए, त्रैपुज साढ़े को फिर दो दित्तियां गईयां ने, एक ABC अते दूसरी PQR। सो ट्राइंगल ABC, दूसरी साढ़े को है ट्राइंगल या त्रैपुज PQR। सो हुण इस दे विच साढ़े को साइड्स दित्तियां गईयां हन, साइड असीं वेखदे हाँ कि इस साइड ते साढ़े को AB साइड, BC साइड अते AC साइड, AB BC अते AC। इस साइड ते साढ़े को PQ QR अते PR। सो देखते हैं कि साढ़े को भुजावां जिहड़ियां ने साइड जिहड़ियां किन्नियां किन्नियां गिवन हन। सो देखो साढ़े को जिहड़ियां फिगर्स ने गिवन दित्तियां गईयां, साढ़े को AB किन्नी दित्ती गई है 2, ठीक है, तो साढ़े को AC किन्नी है 3, और जिहड़ी साढ़े को BC है वह साड़ी है 2.5। हुण PQR दे विच देखते हैं साढ़े को किन्नियां किन्नियां दित्तियां गईयां हन। सो जिस दे विच साढ़े को QR किन्नी है 4, क्लीयर। फिर दूसरी देखो साढ़े को PR किन्नी दित्ती गई है 6, सॉरी PR साढ़े को 5 है, हाँ जी, तो जिहड़ी PQ है साढ़े को किन्नी है 6। हुण दोवां दी असीं भुजावां जिहड़ियां सी उह लिख लईयां हन। हुण इसका सब तो सौखा तो ईजी मैथड की है फाइंड करन दा, कोई तुसीं रेशो दे चक्कर च नहीं जाना कि कहड़ी भुजा असीं किहदे बटा करिए किस तरह करिए, कोई इस तरह की तुहानूं सोचण दी लोड़ नहीं है। सो सिंपल देखो कि इस साइड ते 2 है, 2 दा पहाड़ा पढ़ो, 2 × 2 = 4, इस साइड ते 4 पिया, जरूरी नहीं कि 2 तक्के पढ़ना, 2 × 3 = 6 भी संख्या हो सकती, कुछ भी हो सकता, ठीक है, असीं सारियां बना के देखणियां। सब तो पहला 2 × 2 = 4, देखो ये साढ़े को आ गया, असीं 2 नाल मल्टीप्लाई करदे साढ़े को QR साइड बन रही है, ठीक है, इसका मतलब। तो BC देखो साढ़े को 2.5, जिसनों असं 2.5 बोलते हैं, 2.5 भी बोलते हैं। सो ये साढ़े को हो गया, इसका डबल करेंगे साढ़े को 5 हो जाएगा, ठीक है। ये देखो साढ़े को PR च पिया है, मतलब कि इसको डबल किया साढ़े को 5 बन रहा है, AC 3 है, इसका डबल करेंगे साढ़े को PR बन रही है। सो क्लीयर, इसका मतलब साढ़े को AB भुजा के नीचे कि आ गई QR, BC के नीचे कि आ जाएगी साढ़े को PR। सो इस तरह साढ़े को AC साइड जी है उसके नीचे किड़ी साइड आ जाएगी साढ़े को PQ। हुण देखो साढ़े को इसकी जी
कोरसपोंडिंग साइडों का जो अनुपात से वो समान अनुपात आता है, इसलिए त्रैभुज ए बी सी समरूप हैं त्रैभुज पी क्यू आर दे। सो कसौटी कि लगावे असी देखो तीन दिन तिने साइड ही आई हैं साढ़े को, सो इसलिए साढ़े को आ गया एस 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 तो। सो ये साडा जरा सैकेंड फस्ट क्वेश्चन का सैकेंड पार्ट। सो हम देखते असी अपना फस्ट क्वेश्चन का ही पार्ट थर्ड। सो थर्ड पार्ट के साढ़े को फिर दो त्रैभुज गिवन दिते गए हैं, जिस दे एक त्रैभुज है साडा एल एम अते एन अते दूसरा त्रैभुज है साडा जो गिवन दिता थे को डी ई एफ एल एम पी सॉरी एल एम पी है दूसरा देखो साढ़े को है डी ई अते एफ। हुण इस दे विच साढ़े को देखो दो थानू की दिख रहा है कि साढ़े को तिने तिने जिहड़ियां भुजावां ने वो गिवन दित्तियां गई हैं। सो देखो सब तो इस दे विच कि भुजा साढ़े को एल एम एम पी अते एल पी, इस साइड साइड को डी ई ई एफ अते डी एफ। सो जिहड़ी साढ़े को एल एम है वह किन्नी दित्ती गई है 2.7, फिर साढ़े को जी एम पी है वह किन्नी दित्ती गई है साढ़े को 2 अते ए दित्ती गई एल पी 3 सेंटीमीटर। सो सेंटीमीटर तीन यूनिट्स तीन इकाइयां दित्ती गई है। सो जे तो सेंटीमीटर लिखा मीटर लिखा तो सेंटीमीटर मीटर बोलेंगे, अगर जो कुछ भी नहीं लिखा हो तो असं इकाइया या यूनिट्स जरा बोल के चलते हैं या लिख के चलते हैं। सो साडे कोल डी ई किन्नी है 4 अते साडे कोल जिहड़ी ई एफ है किन्नी है 5 अते जो साडे कोल डी एफ है वह किन्नी है 6। हुण फिर पार्ट सैकेंड वाला मैथड यूज़ करांगे असीं, 2 का डबल करो साडे कोल की पिया है 4 पिया है ना साडे कोल ए पिया है, 3 का डबल करो साडे कोल 6 पिया है। क्लीयर हुण ये दोवें तां हो गईआं साडे कोल, हुण रह गए तीसरी भुजा ये किन्नी है 2.7 तो है 6। देखो 2.7 नूं 2 नाल गुणा करो इत्थे डबल करना ना 2 7 14 1 2 2 4 तां 1 5 साडे कोल आया 5.4। सो इत्थे साडे कोल 6 पिया 5.4 तां है नहीं है। सो साडे कोल की आंदा है ये देखो कि साडे कोल एम पी की गल करिए साडे कोल डी ई दे नीचे आ जाए डी ई नीचे आ जाएगी साडे कोल एल पी ओवर की आ जाएगा साडे कोल सॉरी ए साडे को जिहड़ी कि ए मैच नहीं हो रही। सो साडे को डी इधर आ गया एल पी ओवर डी एफ आ जाएगा। सो रह गई साडे को एल एम, सो एल एम जिहड़ी है साडे को ई एफ, सो ए जिहड़ी साडे को बराबर नहीं आती समान अनुपात दे विच नहीं आती। इस तरह साडे को जो त्रैभुज है एल एम पी त्रैभुज एल एम पी त्रैभुज डी ई एफ दे समरूप नहीं है। सो इसी साडा फस्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, क्वेश्चन फस्ट का पार्ट 4। सो पार्ट 4 देखो साढ़े को दो त्रैभुज जिहड़े कि गिवन दिते गए हैं, एक है एम एन एल और दूसरा साढ़े को पी क्यू आर। सो कि त्रैभुज एल एम एन और त्रैभुज पी क्यू आर। सो साडे को इस दिता की गया है देखो साढ़े को फिगरस नज़र आ रही होनगियां। सो भुजा एम एन दिती गई है साढ़े को किन्नी है 2.5 अते नाल साढ़े को दिती गई है भुजा एम एल जो है साढ़े को 5 अते एक साढ़े को एंगल दिता गया है एल एम एन दे विच एंगल एम जो किन्ना दिता गया साढ़े को 70। इस तरह साढ़े को त्रैभुज पी क्यू आर दे विच भी भुजा पी क्यू दिती गई है साढ़े को 5 अते साढ़े को क्यू आर जिहड़ी दिती गई है वह दिती गई है 10 अते एक एंगल गिवन दिता गया जो साडा है क्यू जो साडा है 70 डिग्री। सो इधर भी 70 डिग्री आएगा। सो हुण देखो साडे कोल एक तां एंगल जिहड़ा कि दोवां दे विच बराबर आ रहा है, क्लीयर है साडे कोल। हुण देखो इधर किन्ना है 5, सो 5 कम 5 5 2 10 10 इधर पिया है साडे कोल। सो इहदा मतलब कि ए साडे कोल इधर जा रहा है 2 नाल मल्टीप्लाई होके। सो देयर फोर एम एल दे नीचे कि भुजा रही साडे कोल क्यू आर। सो फिर साडे कोल एम एल 2.5 2.5 का डबल करिए 5 आ गया साढ़े को। सो यह मतलब कि एम एन ओवर साढ़े को आ जाएगा पी क्यू। सो यह आ गया साढ़े को। सो हम साढ़े को दो भुजावं जिहड़ियां ने उन्हां दा अनुपात आ साढ़े को जिहड़ा है वह आपस में बराबर आता है। सो इसलिए एम इज इक्वल टू है साढ़े को क्यू जिहड़ा इज इक्वल टू है 70। सो यह साढ़े को जिहड़ी सारी रेशो बनती है किन्नी बनती है जी साढ़े को देखो ये एक हिस्सा यदा डबल हिस्सा, सो 1/2 बन रही है रेशो। सो इसलिए त्रैभुज एल एम एन
समरूप है त्रैभुज पी क्यू आर दे। सो कसौटी कि लगेगी, देखो दो साइड आई हैं, एक एस ए आई है, एक एस ए आई है, तो तीसरा साढ़े को क्या है एंगल। सो देयरफोर एस ए एस, सो साढ़े को आ गया एस ए एस। तो सो यह साडा क्वेश्चन फस्ट का फोर्थ पार्ट। सो वेखते हैं क्वेश्चन फिफ्थ। सो पार्ट फाइव के साडे को गिवन है, फिर साढ़े को दो त्रैभुज दिए गए हैं, एक त्रैभुज गिवन है साढ़े को ए बी सी, और दूसरा है त्रैभुज साढ़े को डी ई एफ। सो दोवे की गिवन है साढ़े को ए बी साढ़े को 2.5 और बी सी साढ़े को दिती गई है 3, तो एक एंगल गिवन दिता गया साढ़े को, देखो ए एंगल जो कि दिता गया साढ़े को 80 डिग्री साढ़े को एंगल जो गिवन दिता गया है। सो डी ई एफ साढ़े को है, डी एफ है साढ़े को 5, तो फिर साढ़े को ई एफ दिती गई है जो साढ़े को है 6, फिर साढ़े को एक एंगल गिवन है एफ जो साढ़े को है 80 डिग्री। सो हम इस देखो साढ़े को 2.5 इसका डबल कितना हो गया साढ़े को 5। सो यदा मतलब कि ए बी के नीचे जी भुजा गई साढ़े को डी एफ इज इक्वल टू बी सी कि 3 दो मल्टीप्लाई करो साढ़े को कि आ गया 6। सो देयरफॉर बी सी ओवर साढ़े को आ गया ई एफ, दोवें आ गए साढ़े को बराबर। सो साढ़े को दोवें रेशो कितनी बनती है, ध्यान ना समझना, उपर वाले का एक भाग, नीचे वाले दो भाग, ठीक है 1/2 रेशो बनती है जानी साढ़े को, ठीक है। सो एंगल ए इज इक्वल टू साढ़े को है एंगल एफ जिहड़ा इज इक्वल टू है 80 डिग्री। सो देयर फोर त्रैभुज ए बी सी समरूप है त्रैभुज डी ई एफ दे। सो कि कसौटी लग गई साढ़े को, फिर दो साइड्स आई हैं एस ए एस। तो सो ये साडा पार्ट फिफ्थ। सो देखते अपना पार्ट सिक्स। सो पार्ट सिक्स के साढ़े को है दो त्रैभुज दिते गए हैं, सो जिन्हों के साढ़े को जो त्रैभुज हैं कि एक है त्रैभुज डी ई एफ पहला दिता गया, दूसरा है त्रैभुज साढ़े को दिख रहा थानू पी क्यू आर पी क्यू आर। सो जिन्हों के साढ़े कोई भी साइड जी साढ़े को गिवन नहीं दिती गई, सिर्फ साढ़े को जे कोण ने या एंगल ने वो गिवन दिते गए हैं। सो पहले जो देखो साढ़े को एंगल एक डी दिता गया, तो दूसरा एंगल साढ़े को ई दिता गया है। सो डी ते ई किन्ने हैं साढ़े को, डी है 70 डिग्री और दूसरा साढ़े को 80 डिग्री। सो दूसरी त्रैभुज पी क्यू आर देखो साढ़े को है एंगल क्यू है साढ़े को 80 डिग्री, जो एंगल साढ़े को आर है वह कि है साढ़े को 30 डिग्री। हुण इस दे विच असी जो वेखते हाँ तो साढ़े को एक कोण जिहड़ा है साढ़े को एंगल ई जिहड़ा है वह बराबर आता है एंगल क्यू दे 80 डिग्री, ठीक है, ये तो बराबर आ गया। पर जिहड़ा एंगल डी है साढ़े को नॉट इक्वल टू है साढ़े को एंगल आर दे, क्योंकि जिहड़ा डी है साढ़े को 70 है, तो आर कि है 30 डिग्री है। सो इसलिए त्रैभुज डी ई एफ समरूप नहीं है त्रैभुज पी क्यू आर दे। सो यह साडा क्वेश्चन फस्ट, जिस दे 6 पार्ट से जिन्हें असं ये दसना थी कि किहड़ियां त्रैभुज के जोड़े जिहड़े समरूप हैं, जिन्हों असी देखा कि किस तरह असी दर्शाना है, तो जिस दियां साडे को 3 कसौटियां सी एस 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 एंड डबल ए और ट्रिपल ए। सो डबल ए ट्रिपल ए साडे को सेम ही है, क्योंकि जे त्रैभुज के दो कोण बराबर होणगे तो तीसरा भी बराबर हुंदा है, क्योंकि त्रैभुज के तिन्ने कोणां का जोड़ कितना हुंदा है 180 डिग्री। सो उम्मीद करदा कि तुहानू ये क्लास वधिया लगी होगी, जेकर वधिया लगी है तो अपने बाकी साथियों तक भी इसनों शेयर करो, तां जो असी दूसरे बच्चों जिहड़ी सहायता भी असी कर सकीए। सो थैंक यू, मिलते हैं नैक्सट क्लास के नैक्सट क्वेश्चन के नाल।